Hello everyone, this is Dr. Shavis Kazmi. I welcome you all to my Kazmi Homeopathy YouTube channel. Before starting a video, those who are new, please subscribe my channel and hit the bell icon. तो आज का जो मेरा जो टॉपिक है जो मैं आप लोग से डिस्कस करूँगा वो है UTI, जो फुल फॉर्म है वो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। नाम से आप लोग खुद समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ और ये क्या है। ख़ास करके जो आपके यूरिनरी ट्रैक्ट में जब कोई इन्फेक्शन हो जाता है और इंक्लूडिंग किडनी, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, उस कंडीशन को हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो है UTI जो है वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं। ये दो टाइप्स के होते हैं, एक अपर और दूसरा लोअर। अपर UTI मतलब कि जब आपके कोई किडनी में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस कंडीशन पर हम उसको बोलते हैं पाइलोनेफ्राइटिस, और लोअर UTI जब आपके कोई ब्लैडर में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम सिस्टाइटिस बोलते हैं, या फिर अगर कोई आपके यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम यूरेथ्राइटिस कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये UTI होता कैसे है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है। वैसे तो बैक्टीरिया बहुत से हैं लेकिन मेनली जो मोस्ट कॉमन जो है वो है आपका ई कोलाई की वजह से ये होता है। अब हम बात करते हैं मेन चीज़ कि ये मोस्टली होता किस में है, मेल में या फीमेल में। मोस्टली ये फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि फीमेल में कुछ इसके कॉज हैं, कुछ कंडीशंस हैं ऐसी जिनकी वजह से ये फीमेल में ज़्यादा पाया जाता है, जैसे कि उनके मंथली साइकिल, मेंसेस, जैसे कि उस टाइम पर ये थोड़ा कम हाइजन हो जाती हैं, अनहाइजेनिक हो जाती हैं, तो उसमें चांसेस इसके ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा जो मेन कॉज है वो ये है कि उनकी जो यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर बहुत पास होता है, तो इसलिए इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जो उसके मेन कॉज है वो ये है कि उनकी यूरिनरी ट्रैक और वजाइनल ट्रैक में गैप कम होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ख़ास करके वो फीमेल जिनका पोस्ट मेनोपॉजल का एज चल रहा होता है, जिस टाइम पर उनका जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो बढ़ जाता है, तो उस टाइम पर भी ये इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाना चाहें तो थोड़ा साइंटिफिकली अगर बताना चाहूँगा मैं आपको, तो जैसे कि मेन चीज़ हमारे किडनी जो है वो किडनी हमारे बैक साइड में यहाँ पीछे साइड में लोकेटेड होती है। किडनी का वर्क जो होता है वो हमारा जो जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है उसको फिल्टर करके वो यूरिनरी ट्रैक से यूरिन के थ्रू पास आउट करता है। ब्लड में हमारे जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं या फिर जो वेस्ट मटीरियल हैं उनको वो फिल्टर करके यूरिन के थ्रू पास आउट कर देता है। अब हम बात करते हैं कि मेल में ऐसा क्या कॉज होता है जिसकी वजह से ये UTI का इन्फेक्शन जो होता है वो उसका जो चांसेस होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ख़ास करके वो जिनको प्रोस्टेट की शिकायत होती है उनमें ये ज़्यादा देखा जाता है, या फिर वो मेल्स जिनको कोई क्रॉनिक डिजीज़ हुई हो लाइक डायबिटीज़ हो गई हो, जो डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और मेनली जो मेन है ख़ास करके जो इंटरकोर्स के टाइम या फिर इंटरकोर्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हो, फिज़िकल रिलेशन में एक्टिव रहते हो, तो उसको भी चांसेस ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम बात करें इसके सिम्टम्स की तो आपको बहुत ज़्यादा जलन होगी, ख़ास करके यूरिन पास करते टाइम या फिर यूरिन पास करने के बाद, या आपके लोअर एब्डोमिनल साइड में आपके पेन होने लगेगा, पेन बहुत ज़्यादा होगा, कभी कभी नौसिया भी हो सकता है, वॉमिटिंग भी हो सकती है आपको, और कभी कभी तो रेयर केस में ऐसा भी देखा जाता है कि कभी कभी उसमें यूरिन पास आउट करते समय आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपको बार बार यूरिन पास आउट करने के लिए जाना पड़ेगा, आपको ऐसा लगे कि बस दो चार ड्रॉप ऐसा होगा, उसके बाद हर 10 मिनट में 15 मिनट में आपको बार बार जाने की ऐसा लगेगा कि आपको बार बार यूरिन पास करने के जाना है, लेकिन वो खुल के नहीं होगा और बस थोड़ा सा होगा। तो इस तरह के कुछ सिम्टम्स हैं जो कि ये कवर करते हैं UTI इन्फेक्शन होने के टाइम। अब हम बात करते हैं कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो इसमें बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती हैं और जिनका आप कुछ दिन तक यूज़ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। पहली जो हमारी मेडिसिन है वो है बल्बरिस वल्गरिस, को आपको मदर टिंचर में लेना है यानी क्यों में लेना है। ये मेडिसिन का नाम सुन के आप लोग के दिमाग में पहला क्वेश्चन ये ज़रूर आया होगा कि ये तो खास करके स्टोन में दी जाती है, लेकिन हाँ ये बहुत ही अच्छा रोल UTI में भी प्ले करती है। क्यों? किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये इन चारों को बहुत ही कायदे से एकदम क्लियर कर देती है बर्बरिस वल्गरिस। इसलिए आपको इसका यूज़ करना चाहिए दिन में 3 बार 10 बूंद थोड़े से पानी में। दूसरा आपको मदर टिंचर जो है वो है कीमोफिला क्यू, इसको भी आपको यूज़ करना चाहिए दिन में 3 बार, जिनको खास करके UTI का प्रॉब्लम है दिन में 3-4 बार
10 बूंद थोड़े से पानी। जो मेन पोटेंसीज में मेडिसिन आती हैं वो है, जो यूटीआई में बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं, तो पहली हमारी है वो है मेडोरिनम, इसको आप 30 पोटेंसी में लें दिन में 3 बार। हमारी जो मेडिसिन है वो है पायरोजिनियम, पायरोजिनियम आप इसका यूज़ कर सकते, यूज़ करें, बहुत ही अच्छा मेडिसिन रोल प्ले करती है ख़ास करके यूटीआई में, दिन में 3 बार 3-4 बूंद थोड़े से पानी में। जो हमारी सबसे लास्ट मेडिसिन है वो है कैंथोरिस, इसको आपको 100 पोटेंसी में यूज़ करना है, डेली आप इसका एक डोज लें मॉर्निंग में 2 से 3 बूंद थोड़े से पानी में। होप्स हुआ आपको इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा, लेकिन आपको कुछ दिन तक कायदे से लग के अपना आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा, और जो मुझे लाइव चाहते हैं कि मैं लाइव आऊँ, अभी मेरा यूट्यूब पे लाइव का ऑप्शन नहीं आ पा रहा है, इसलिए मैं उस पर लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी मैं अपना डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके मुझे फॉलो कर लें। और मैं ख़ास करके ज़्यादातर मैं शाम में ही इवनिंग में ही 7:30 के बीच में लाइव आता हूँ, तो अगर आप मुझे चाहते हैं तो वहाँ पे आकर के आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।